खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संघ के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर अशोक जैन ने बताया कि 15 सितंबर से आंदोलन की शुरुआत की गई है। प्रदेश में बिजली कंपनियों जबलपुर, इंदौर और भोपाल मुख्यालय पर जूनियर और सहायक इंजीनियरों ने मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। संघ के जोनल सचिव इंजीनियर राजेश श्रीवास्तव ने बताया, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 14 से 18 अक्टूबर तक वर्क टू रूल 21 अक्टूबर को एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद भी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में जनरेटिंग कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों से कनिष्ठ यंत्री और सहायक यंत्री शामिल। मांगों के लिए 15 तारीख से क्रमबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन पूरे हमारा प्रदेश लेवल पे चल रहा है। आज जो है ना यहाँ जबलपुर में हो रहा, वो पश्चिम संभाग इंदौर में भी हो रहा है और मध्य संभाग मध्य कंपनी भोपाल में भी हो रहा है। हम लोग है ना पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में कनिष्ठ यंत्री ज्ञापन दे रहे हैं आज भी, और 15 तारीख को हम लोगों ने कदम चरण 15 तारीख को ज्ञापन दिया था, वो ऊर्जा संयुक्त के नाम पे था।